देश भर में G20 शिखर सम्मेलन की खास तैयारियां चल रही हैं। शिखर सम्मेलन को लेकर बैठकों का दौर भी अब शुरू हो चुका है और इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। सिसोदिया ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के चलते केंद्र से विशेष विकास कार्य करने के लिए 927 करोड़ रुपए का अनुदान देने की मांग की है। वित्त विभाग का प्रभार संभालने वाले डिप्टी सीएम सिसोदिया ने ये भी कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए दिल्ली सरकार केंद्र का पूरा पूरा साथ देगी। इसके साथ ही अपने पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार के विभागों ने शहर में बुनियादी ढांचे के विकास और विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के लिए एक योजना तैयार की है, जिसमें G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थानों के आसपास सौंदर्यीकरण कार्य और शहर में प्रमुख स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि केंद्रीय करों में अपने हिस्से के रूप में दिल्ली को कुछ भी भुगतान नहीं दिया जा रहा है। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि यहां तक कि राज्यों में नगर निकायों को उनकी आबादी के हिसाब से दी जाने वाली धनराशि भी दिल्ली नगर निगम को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरी दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यहां आने वाले विदेशी मेहमानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आगामी 9 से 10 सितंबर को G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी तरह खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए और देखते रहिए इंडी टाइम्स।